उपराजधानी के सड़कों पर घूमने वाले आवारा गोवंशीय पशु को नगर पालिका ने गांधी मैदान में बंद करके रखा है। अब जिनकी पशु है वो आ रहे हैं और इसे यहाँ से छुड़ा के ले जा रहे हैं। इसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही है। आप देख सकते हैं ये सामने जो फाटक है, गांधी मैदान का फाटक है, और गांधी मैदान के अंदर आवारा गोवंशीय पशु को रखा गया है। आप जो हैं, जो जानवर को यहाँ रखे हैं, क्यों रखे हैं? आज वहाँ हम लोग को किसने बोला रखने के लिए, इसलिए रखे हैं। आज तो कब छोड़िएगा? हाँ तो अब किसने जब बोलेगा तब वो लोग छोड़ेगा। ऑफिस हम लोग कल देखने के लिए देख लिया है। हमारे साथ तो हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र उपाध्याय जी। इनका भी जानवर को यहाँ पे रखा गया है। आपकी जो आपका क्या है यहाँ पे? यह एक सांड है हमारा, जो कि दरवाजा पर से उठा के ले आया गया है। तो क्या दिक्कत है, व्यवहारिक क्या दिक्कत आपको नजर आ रही है? नहीं तो रखना है तो आप गौशाला में रखिए, कोई व्यवस्था करके रखिए। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत महापाप है, जानवर पर अत्याचार हो रहा है। जो चिलचिलाता धूप में दिन भर रहता है, कड़कड़िया धूप में, बारिश होता है उसमें भींगता है जानवर, इससे तो इसका व्यवस्था मैंने इस तो मर जाएगा जानवर। तो क्या बोला गया है आपको? हमको बोला गया है कि फाइन भरिए और ले जाइए। कितना फाइन है कुछ बताए हैं? फाइन ही लोग कितना? 250 रुपये। आवारा पशुओं को नगर पालिका गांधी मैदान में रखती है, उन्हें छुड़ाने के लिए 250 रुपये का रसीद करता है। क्या है पूरा प्रक्रिया और किसके आदेश से ऐसा हो रहा है, हम जानेंगे नगर पालिका के कर्मी से। गांधी मैदान में शहर का जो है आवारा पशु सबको रखा गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों के घर का भी पशु आ गया है। तो ये क्या आदेश है, क्या प्रोसेस है इसको छुड़ाने का, पूरा प्रक्रिया बता दीजिए ताकि हम लोग जान सके। राज्यपाल महोदय के आगमन पर ही इनको जो है उसी 14 तारीख से हम लोग का अभियान चला उसको आवारा पशु को पकड़ने के लिए और पकड़ के दुमका गांधी मैदान रखने के लिए। उसके लिए हम लोग पानी का और चारा का व्यवस्था किए हैं, प्लस जो है जो आवारा पशु है उसके दंडित करते हुए 250 रुपये प्रति पशु को लेकर के उसको छोड़ा जा रहा है। उपायुक्त महोदय जो मौखिक निर्देश पर कार्यपाल पदाधिकारी द्वारा ये निर्देश दिया गया है हम लोग को, जो आवारा पशु को पकड़ के सब उसमें नगर प्रबंधक सिटी मैनेजर नजमुल्ला अंसारी का भी आदेश है, मौखिक आदेश, जो सबको पकड़िए इमीडिएटली गांधी मैदान में रखिए। और तब से हम लोग 14 तारीख से पकड़ रहे हैं, 13-14 तारीख से अभी तक हम लोग आवारा पशु को पकड़ के घुसा रहे हैं और सब 250 रुपया दंड शुल्क दे करके सब एक एक आदमी ले जा रहा है। करीब लगभग 50-60 पकड़े थे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, इसमें समाज भी सहयोग और उसमें जो है अच्छा काम के लिए। तो अभी तक सब दंड शुल्क दे करके लिए जा रहा है। अभी तक कितना दंड शुल्क ले जाके छुड़ाया है यहाँ पे? लगभग आपका जा करके 8,000 लगभग। तो आपने सुना कि 250 रुपया लिया जा रहा है इनको वंशीय पशु को छोड़ने के लिए, नगर पालिका से रसीद दिया जा रहा है। शिकायत यह है कि जानवरों को जो है चिलचिलाती धूप में रखा गया है, गांधी मैदान में कोई शेड नहीं है, इस तरह में गाय की जान भी जा सकती है। लगातार के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।